हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू पेपर एक्स 2022 15th इंटरनेशनल एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंस ऑन पल्प पेपर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़। स्वागत है आपका और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर और एक ऐसे कंपनी के पास जो बनाते हैं पंप्स, जहां पर जो विस्कस मीडियम्स है, रिजिड लिक्विड्स है, उसको फ्लो कराने के लिए ये पंप्स यूज़ होते हैं और ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होते हैं। और इन्हीं के बारे में आज बात करवाने वाला हूं। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो या इस टाइप की मशीनरीज की आपको ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम गुड सर। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? हाँ, मैं मनीष डबास, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर एट रोटो पंप्स लिमिटेड। सो इट्स बीन 5 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस कंपनी। और कंपनी के बारे में सर? कंपनी लाइक हैज बीन स्टार्टेड बाय लेट मिस्टर राम रतन गुप्ता। ही पायनियर्ड द प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स इन इंडिया। वी आर द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर दीज काइंड ऑफ पंप्स। मोर देन 2/3 ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करते हैं? या सो वी मैन्युफैक्चर प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स, ट्विन स्क्रू पंप्स, गियर पंप्स एंड एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप्स। So if you talk about progressive cavity pumps, we are number 7 in the world. Number 7 in the world? Yes. Wow. Yes. So these all pumps comes into the category of positive displacement pumps. Most of our pumps goes for viscous liquids, abrasive liquids, aggressive liquids, ya fir lubricating liquids. So these pumps are used in more than 25 industries like biogas, wastewater, oil and gas, paper, paint, etc. अगर सामान्य शब्दों में समझे तो ये इस लिक्विड के लिए, जैसे अगर पानी का फ्लो है वो तो सीधा हो जाएगा, लेकिन जो विस्कस मीडियम है जिसकी रिजिडिटी है वो उसको फ्लो कराने में दिक्कत होते हैं, तो उनके लिए ये पंप्स यूज़ होते हैं। हाँ, एक्चुअली हमारे पंप का जो मेन पार्ट है दैट इज़ रोटर एंड स्टेटर, विच इज़ लाइक वी कॉल्ड इट हार्ट ऑफ आवर पंप। सो तो उसमें कुछ कैविटीज़ बनती है जो पॉजिटिव फ्लो होता है, तो वी डिज़ाइन आवर पंप। एक्चुअली ऑल ऑफ आवर पंप्स आर कस्टमाइज्ड, तो जो भी फ्लो होता है या प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड अपॉन दैट, या फिर एप्लीकेशन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेस्ड अपॉन दैट वी डिज़ाइन आवर पंप्स। जो रोटर और स्टेटर की सिलेक्शन या बाकी यूनिवर्सल जॉइंट लगे या फिर कितनी स्टेज का पंप बनाना है, तो ऑल दीज पंप्स आर कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन द ड्यूटी पैरामीटर्स। सो वो जो भी जिस भी इंडस्ट्रीज में लगाना है, जिसको ज़रूरत है, वो अपना रिक्वायरमेंट आपको दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर देंगे। यस। और यहाँ पर काफ़ी सारे पंप्स लगे हुए हैं, इसके बारे में कुछ फंक्शनलिटी समझा सकते हैं सर पंप के? यस, दिस इज ट्विन स्क्रू पंप। ट्विन स्क्रू पंप इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग लिक्विड्स, जिन जो ज़्यादा विस्कस नहीं होते, थोड़े लुब्रिकेटिंग नॉन लुब्रिकेटिंग होते हैं, तो इसमें वी यूज टू स्क्रूज। तो वन स्क्रू इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर स्क्रू रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसके बीच में कैविटीज फॉर्म होती हैं, उसके बीच से लिक्विड निकलता है। सो ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड इससे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सो इट इज़ फॉर लुब्रिकेटिंग लिक्विड्स। इन पेपर इंडस्ट्री, इट्स अ पेपर शो, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लैक लिक्विड। तो यहाँ पर दो इनलेट आउटलेट दिए गए हैं, वन इज इनलेट वन इज आउटलेट। अच्छा, और सर आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं? See, these pumps are made in almost every material, cast iron, stainless steel, even exotic alloys as well, based upon customer requirement. ये ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड हो कि भाई हम SS में बनाएंगे, कास्ट आयरन में बनाएंगे, ये नहीं है? There is no standard, it entirely depends upon the application. तो फिर उस पर प्राइसेस भी फ़र्क पड़ेंगे फिर ऐसे में? प्राइसेस डिफरेंट होते हैं क्योंकि देर इज़ नो स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि पंप स्टैंडर्ड नहीं है, पंप्स आर कस्टमाइज्ड। सो आई कैन, दिस इज़ द थिंग। आइए सर यहाँ पर देखते हैं, दिस इज़ आवर मेन पंप, प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स। अच्छा। और दिस इज़ आवर मेन डेवलपमेंट विच इज़ रोटो क्विक। सो पहले क्या होता था, अगर आपको पंप को की मेंटेनेंस करनी है, पंप ख़राब हो गया, यू हैव टू डिसमेंटल द सक्शन पाइपलाइन और
सक्शन पाइपलाइन एंड डिस्चार्ज पाइपलाइन, फिर आप पंप निकालते थे, देन यू ओपन इट एंड देन यू रिप्लेस. बट दिस पंप कैन बी, इसकी जो भी मेंटेनेंस है यू कैन डू इट ऑन द प्लेस, यू डोंट हैव टू डिसमेंटल सक्शन एंड डिलीवरी पाइपलाइंस. तो मेंटेनेंस आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, आपका टाइम कम बच गया, और इवन स्मॉल टूल से आप इसको बदल सकते हैं. इवन जो हमारे पुराने प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स भी थे तो उनको आप ईजिली रोटो क्विक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी. यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, स्टैंड बाय पंप शुड यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस. सी ये वार्निंग टैग्स है, मतलब हम हर क्वेश्चन टैग्स है, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर फ्लो या प्रेशर के लिए पंप लेते हैं, बट आप या पर्टिकुलर लिक्विड के लिए पंप लेते हैं, तो क्या होता है आपने लिया मेरे लिए किसी और लिक्विड के लिए पंप और या किसी और फ्लो के लिए, और आप किसी और कुछ और फ्लो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पंप कैन मेल फंक्शन क्योंकि वो उस पैरामीटर के लिए असेंबल नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है. सिंस इट्स कस्टमाइज्ड पंप्स, तो उसके लिए हमने वार्निंग्स दी हैं कि भैया आपको जो हमने दिया है, जिस चीज़ के लिए आपने पंप को सेलेक्ट किया है, आप उसी लिक्विड और उसी ड्यूटी पैरामीटर्स पे पंप को चलाएं. ये है कि आपने कस्टमाइज जिस पैरामीटर पे करा है उसी पे करना है, उससे इधर उधर नहीं होना है. थोड़ा बहुत हो सकता है, बट क्या होता है, मान लो आपने क्या कहते हैं फ्लो सेट किया है कि आपको मैक्सिमम 100 का चाहिए, हाँ, तो अगर आप 100 के हिसाब से पाइपलाइन नहीं देंगे या फिर फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम चलाएंगे, तो या फ्लो बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब कुछ भी पैरामीटर्स चेंज होते हैं, लिक्विड आपने बदल दिया. अच्छा. लिक्विड आपने बदल दिया तो जो आउटपुट आपको काम तो करेगा, आई एम नॉट सेइंग काम नहीं करेगा, बट आउटपुट वो नहीं मिलेगा विच इज़ डिज़ायर्ड. तो ये यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि रिवर्स डायरेक्शन में इसे करने पे डैमेज हो सकते हैं. नो, इट प्रोग्रेसिव कैविटी पंप कैन वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन एज वेल. यहाँ पर सर आपने यहाँ पर ऑपरेटिंग द पंप इन रिवर्स डायरेक्शन में कॉज पंप डैमेज, ये इसलिए दिया गया है, मतलब अगर आप आप इसको ऑपरेट कर सकते हो रिवर्स डायरेक्शन में, बट अगर आप इसको, जैसे आपकी पाइपलाइंस है, सक्शन कहीं से आ रहा है और आपने मतलब दूसरी डायरेक्शन में इसको चलाया, तब कुछ दिक्कत हो सकती है. तो ये है आपके कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, मेन ये पंप है. सो दिस इज आवर एक्सटर्नल गियर पंप. सो लाइक इसमें हम गियर्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्रूज, तो ये भी लुब्रिकेटिंग लिक्विड्स के लिए काम करता है, बट इसमें जो फ्लो और प्रेशर की रेंज होती है वो कम रहती है, 120 मीटर क्यूब पर आवर तक इसकी फ्लो रेंज रहती है मैक्सिमम, और अराउंड 11 बार तक प्रेशर रहता है. तो अगर आपको इसके ऊपर जाना है, अगर आपको फ्लो 900 के अप्रोक्स चाहिए, तो देन यू हैव टू गो टू ट्विन स्क्रू पंप्स. दिस इज़ आवर एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप्स. ये मोटर से नहीं चलता है, ये कंप्रेस्ड एयर से चलता है. इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस. ये एक्चुअली बाकी सारे हमारे रोटरी पंप्स है, दिस इज़ वन विच इज़ रेसिप्रोकेटिंग, इसमें डायफ्राम पंप. ये रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम पे चलेगा? हाँ, रेसिप्रोकेटिंग प्रिंसिपल पे चलता है. अच्छा. और इसमें कंप्रेस्ड एयर लगती है, सेकंड इसमें लीकेज नहीं होती है. तो बेसिकली इट्स मोस्ट यूज्ड इन फार्मा, फूड, पेंट इंडस्ट्री में बहुत जाता है, पेपर में भी कुछ कुछ केमिकल्स के लिए यूज़ होता है, बट इसके भी ड्यूटी पैरामीटर्स कम रहते हैं. कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं रहता आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल? स्टैंडर्ड जो हमारे रेगुलर हैं, जो जैसे छोटे पंप्स हैं जो माइनिंग में जाते रहते हैं, जिनका रिकरिंग बिजनेस है, उनको हम बनाते रहते हैं. वी नो कि भी हमारी RD सीरीज़ या RM सीरीज़ के कुछ पंप मॉडल्स हैं जो विच आर सेलिंग द मोस्ट, तो वी हम उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मतलब उसकी रेंज में अलग अलग, तो उसको हम बिल्ड करके रखते हैं, तो अगर कोई चाहता है तो वी कैन असेंबल एंड वी कैन डिस्पैच, वो इंस्टेंटली हो जाएगा. यस. सो दिस इज़ आवर मीडियम कंसिस्टेंसी पेपर पल्प पंप. इट्स ऑल्सो ए प्रोग्रेसिव कैविटी टाइप ऑफ पंप. तो एक्चुअली क्या होता है, जब पेपर पल्प होता है बहुत ही थिक होता है, विस्कस होता है, और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इट्स डिफ़िकल्ट टू मूव.
तो इसमें हम आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें हमने ब्रिज ब्रेकर यूनिट दी हुई है और फिर उसके बाद ओगर दिया हुआ है ताकि जो पेपर पल्प है इट डज नॉट डैमेज हमारे रोटर और स्टेटर को या यूनिवर्सल जॉइंट्स को जो पंप का पार्ट होता है इधर जो होता है तो इट ब्रेक्स द लिक्विड मीडिया इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट पंप उसको पास ऑन कर सके. सो इट्स आवर ब्रिज ब्रेकर यूनिट द ब्लैक वन और नीचे वो जो स्क्रूज टाइप लगा है वो ओगर है. Especially for the pulp, like pulp, paper pulp. तो अभी तो ये एग्जीबिशन लगी हुई है पेपर पल्प्स का एग्जीबिशन लगे हुए हैं तो इसमें काफ़ी लोगों की काफ़ी डिमांड होगी इसमें. हाँ लोगों की डिमांड रहती है हमारे पंप्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन के लिए. सो वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द शो. तो ये रही कि सर यहाँ पर पंप्स जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप के और पल्प पेपर इंडस्ट्रीज़ में तो यूज़ होंगे ही और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होने वाले हैं. यस है ना सर. आप अगर किसी को ये परचेज करना है और किसी को नीड है तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर? लाइक हमने बहुत ईजी बना रखा है. एनी वन कैन गो ऑन टू आवर वेबसाइट www.rotopumps.com. ही कैन आइदर फिल अ इंक्वायरी फॉर्म और वी हैव इंटीग्रेटेड इट थ्रू व्हाट्सएप. सो कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो. और सर ये सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का क्या रहता है? सर्विस एंड इंस्टॉलेशन इट डिपेंड्स. अगर कस्टमर को सर्विस एंड इंस्टॉलेशन भी चाहिए तो वी प्रोवाइड एंटायर सर्विस. हमारे सर्विस इंजीनियर जाते हैं इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए. जैसे किसी ने आपको परचेज किया तो उस टाइम आप सर्विस एंड इंस्टॉलेशन वो फ्री करते हो या पेड होता है? सी ज़्यादातर एक्चुअली इट्स जो हमारे पंप्स होते हैं ज़्यादातर लोग खुद इंस्टॉल कर लेते हैं. बट इफ़ कस्टमर इज नहीं आपको सक्शन एंड डिलीवरी पाइपलाइंस ही लगानी होती है बट स्टिल अगर कुछ दिक्कत होती है कस्टमर कैन कॉल अस. सो इट डिपेंड. अगर कुछ रिपेयर्स हैं तो वी गिव 1 ईयर वारंटी. अदरवाइज कमीशनिंग तो चार्जेबल बेसिस पे रहती है. तो वारंटी आपकी 1 ईयर की वारंटी होगी? 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई. ओके सर. तो ये रहा आपका सारा एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड वेबसाइट. तो अगर किसी को नीड है तो कोई इस इंडस्ट्रीज तो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है. हाँ जी कॉन्टैक्ट मी. ओके सर. वी कैन टेक देयर क्वेरीज एंड प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशंस. ओके सो आप उनसे बात करोगे काउंसलिंग करोगे और जो भी बेस्ट होगा उसे प्रोवाइड करोगे. चलिए सर थैंक यू. थैंक यू नाइस मीटिंग.